देश में दूसरी बार शुरू है आजादी की लड़ाई। मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह बन्ना ने की मीडिया से चर्चा, कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने रची साजिश। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान रैली के दौरान पूरी घटना मोदी सरकार की साजिश का नतीजा है। हमारा किसान ना पहले उपद्रवी था, नाराज है, वह अन्नदाता है और अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। आज एक चर्चा के दौरान यह बात पूर्व मऊगंज विधायक बन्ना ने कही है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए बार बार साजिश रची जा रही है। किसानों के ऊपर पुलिस ने डंडे बरसाए, जबकि उपद्रवी जो थे वह अपना काम करके निकल चुके थे। आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही थी, यह सीधे सीधे देश के लोकतंत्र की हत्या है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं पूर्व विधायक बन्ना जी की जुबानी। मीटिंग चल रहा है, हाँ। किसानों के साथ इस तरह मतलब वो हो रहा है, सिंधु बॉर्डर भी आप गए थे पिछले बार। देखिए, जो किसानों का जज्बा था और फिर जो स्थिति है इस समय देश की, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून लाए, उसके खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा, मैं तो वहां गया था और देखा था, ये लग रहा था और है भी अभी ऐसी स्थिति कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत। तो जिस तरीके से 1857 आजादी की लड़ाई के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचला था, उसी तरीके का हथकंडा नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है, लेकिन 1947 में देश आजाद होकर के रहा। तो मेरा ये कहना है कि चाहे जितने हथकंडा फर्जी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ये काले कानून न वापस करने के लिए अपना ले, लेकिन आज नहीं तो कल ये किसानों के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी जो घटना घटी है इसमें नरेंद्र मोदी से जुड़े लोग और जाकर के प्रशासन, मैं समझता हूँ कि सरकार से जुड़े लोग जाकर के वहाँ पे लाल किले पर झंडा फहराए और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश किए, और ये सरकार के इशारे से उन्होंने किया और उनकी फोटो भी सामने आई, कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। अभी कल मैं फेसबुक पर देख रहा था, आधी रात को जाकर के वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के साथ मारपीट गई। ये पूरी तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको मालूम हो कि करुणा गोस्वामी जो पुलवामा का में इतने लोग शहीद हुए, और 4 दिन पहले उनके पास सारी जानकारी थी, ये जानकारी कहां से आई? ऐसे ऐसे मुद्दे दबाने के लिए इस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र रच रही है, लेकिन ये किसानों का आंदोलन दबने वाला नहीं है। फिर से जिस तरीके से 1947 में देश आजाद हुआ था, उस तरीके से आगे ये लड़ाई होगी और एक दिन उस दिन किसान आंदोलन पूर्णतया सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।